गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। सो व्हेन यू विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी, वी आर स्टार्टिंग विद द स्टीरियो केमिस्ट्री। दैट मीन द केमिस्ट्री फॉर द स्टीरियो ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से स्टीरियो नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड चीजें पढ़ने जा रहे हैं। सो व्हेन यू विल स्टार्ट विद द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब यहां पे सबसे पहले व्हाट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हाउ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज फाउंड। ऐसा कहते हैं कि अगर व्हाइट लाइट को हम पास करें एक प्रिज्म से जिसे हम कहते हैं निकोल प्रिज्म, और इसे हम नॉर्मली कह देते हैं पोलराइज्ड ग्लास। तो अगर हम निकोल प्रिज्म या पोलराइज्ड ग्लास के थ्रू पास करें तो निकलने वाली जो लाइट होगी इसी को हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। क्या डिफरेंस होता है जब हम किसी लाइट को पास करते हैं? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की अगर हम लाइट रोटेशन के टर्म में कहें तो लाइट रोटेशन के टर्म में हम कह सकते हैं कि अगर लाइट यूं चल रहा हो इन द डायरेक्शन ऑफ माय हैंड और इसका रोटेशन इसके पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो जाए, देन दैट इज कॉल्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक्चुअली ऐसी लाइट्स, नॉर्मली जब हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं लाइट क्या है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इफ दिस इज द फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, अगर ऐसा है, मेरे कहने का मतलब है डायरेक्शन से हमें आगे पीछे ऊपर नीचे से नहीं लेना है, हमें इसे परपेंडिकुलर दिखाना है। अगर इस तरह से है तो ये 3D में चलता है, और जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होता है तो इसके दो ही रह जाते हैं, यानी ये प्लैनर लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, 2D लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहां पे अगर ऐसा होता है तो हम कुछ इसे कंपेयर कर सकते हैं सीम बॉलिंग से। आपने देखा होगा बहुत सारे बॉलर हैं जैसे भुवनेश्वर कुमार, अपनी बॉल को सीम से पकड़ते हैं, धागे से पकड़ते हैं और यूं बॉल फेंकते हैं। जब यूं बॉल फेंकते हैं तो बॉल बिल्कुल यूं जाता है और उसका रोटेशन भी साथ में होता है, लेकिन जब वो लाइट पड़ती है, जो बॉल वहां पे पड़ता है, तो पड़ने के बाद क्या होता है, अब अलग अलग तरह की कंडीशन में अलग अलग हो सकता है। अब ये क्या हो सकता है, हो सकता है कि पड़ने के बाद बॉल क्लॉकवाइज रोटेट करे, कुछ यूं रोटेट कर जाए, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, या रोटेट ही ना करे। अब यहां पे अगर ये लाइट के टर्म में है, अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स पे पड़ता है तो लाइट को किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में घुमाता है, और अगर वो नहीं घुमाता है तो हम उसे कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, और अगर वो घुमाता है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो इसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो हम इसे कहते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। लेकिन उससे पहले कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, कौन लाइट का रोटेशन दिखा पाएगा और कौन लाइट का रोटेशन नहीं दिखा सकता, इस बारे में हम बात करते हैं। और उससे पहले हम एक टर्म की बात करते हैं, टर्म का नाम है काइरलिटी, काइरल एंड काइरलिटी। देन व्हाट आर द काइरल स्पीसीज एंड व्हाट डू यू मीन बाय द काइरलिटी। Properly, in definition, we say that those of the compounds or those of the species which have non-superimposable mirror image are called chiral, and the phenomena is called the chirality. अगर हिंदी में कहें तो हम कहेंगे वो सारे compounds, ये वो सारे species जिनके mirror image उनके खुद के ऊपर superimpose नहीं होते हैं, उन्हें हम chiral कहते हैं, and the phenomena is called the chirality. For example, If you are talking about me myself, तो क्या है, जैसा मैं हूं, जो कुछ भी जैसा भी दिखाई दे रहा हूं, अगर मेरा मिरर इमेज बनेगा तो वो भी ऐसा ही बनेगा,
क्यों? क्योंकि मैं बायलेटरली सिमेट्रिकल हूं, बीच में से देखेंगे जितना हिस्सा इधर है, एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, एक कान इधर है, एक कान इधर है, आधा नाक इधर है, आधा नाक इधर है, एक आंख इधर है, एक आंख इधर है, यानी आइडेंटिकली बीच में से डिवाइड करें तो आइडेंटिकल दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। अल्फाबेट्स की बात करें तो अल्फाबेट ए, एम, डब्ल्यू, ओ, ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो कि बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, बीच में से काटे तो आधा आधा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और इनके मिरर इमेज भी आपने देखा होगा, तो ए का मिरर इमेज ए जैसा बनता है, बी का मिरर इमेज बी जैसा बनता है, सी का मिरर इमेज सॉरी ए का इमेज ए जैसा बनता है, बी का इमेज बी जैसा नहीं बनता है, सी का इमेज सी जैसा नहीं बनता, डी का इमेज डी के जैसा नहीं बनता, एम का एम जैसा बनता है, डब्ल्यू का डब्ल्यू जैसा बनता है, ओ का ओ जैसा बनता है। तो जो बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, अगर मैं यूं ऐसे ड्रा करके आपको दिखाऊं, तो ये है आपका ए, यहां से देखिए जितना इधर उतना इधर, बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये है ओ, सेम। ये है एम, सेम। ये है डब्ल्यू, सेम। ये सब के सब अपने मिरर इमेज में भी ऐसे दिखाई पड़ेंगे। दिस इज द सी, सेम नहीं है, तीन का मिरर इमेज अलग होगा। दिस इज डी, ये भी सेम नहीं है, तीन का भी मिरर इमेज सेम नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम जैसे ए, डब्ल्यू, एम है, जिनके मिरर इमेज उनके खुद के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, उन्हीं के जैसे होते हैं, ये काइरल नहीं कहे जाते हैं, इन्हें कहा जाता है अकाइरल। और ऐसे स्पेसीज जैसे सी और डी है, जिनके मिरर इमेज खुद के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, इन्हें हम कहते हैं काइरल स्पेसीज। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, अगर मैं वो एग्जाम्पल लेके करूं, तो उसमें एग्जाम्पल दिया है एग्जाम्पल ऑफ योर हैंड्स। अब ये देखिए, ये है आपका हाथ, एक्चुअली मेरा, ठीक है, ये है हाथ और इसका मिरर इमेज ये है। कभी कभार आप लोग यूं करके दिखा देते हैं कि ये सुपर इम्पोज कर गया, ये सुपर इम्पोज नहीं किया, क्योंकि इसको आपने इसके साथ करना है कुछ यूं। आपने क्या किया, इसकी जगह पे इसको ले लिया। अब इसको करोगे तो हो ही जाएगा, ये इसका मिरर इमेज थोड़ी ना है, इसका मिरर इमेज ये है। और जब इसे सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो क्या ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। और अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, देन दिस हैंड विल बी कॉल्ड काइरल। अब इसे दो पार्ट में डिवाइड करके देखो, यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है, यहां पे थंब और इंडेक्स है, यहां पे रिंग और लिटिल फिंगर है, एंड दैट इज द रीजन दिस इज द काइरल सिस्टम। सो ऑल दोज ऑफ द स्पीसीज विच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, दे आर कॉल्ड काइरल, एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड काइरलिटी। वन मोर थिंग, all those of the species which show the phenomena of chirality, all those of the compound which have the non superimposable mirror image or which are chiral, they are optically active. jitne bhi chiral species hote hain sab ke sab optically active hote hain. ab agar optically active compounds ki baat karte hain, kaise aap pata karenge ki optically active hai ya nahi hai? kya sabka mirror image banate firenge? aur sabka mirror image banana surely bada mushkil kaam hai. किसी कंपाउंड में 10-12 कार्बन हो गए तो 12-12 आपके अलग अलग पोजीशन से बनाना पड़ेगा, जो कि टाइम टेकिंग है, जो कि मुश्किल है। तब क्या देखें, तो हम देखते हैं इफ अ कार्बन हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स देन इट इज कॉल्ड काइरल। जैसे अगर ये है आपका ए, बी, सी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कार्बन ऑलरेडी सी से डिनोट होता है, डी और ई, यहां पर देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, then they are called chiral. तो ये ऐसे स्पीसीज जिनके पास 4 डिफरेंट स्पीसीज लगे हुए हैं, 4 डिफरेंट अटैचमेंट्स लगे हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं chiral. और all the chiral species, that means all those of the species which have the 4 different groups are called optically active compound. So this is the optically active chiral species. अब एक स्पेसिफिक कंपाउंड देके आपको एक्सप्लेन करते हैं, ये देखिए। ये है आपका, 2-3 कंपाउंड दे रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज काइरल एमंग दीज। देन द फर्स्ट कंपाउंड इज द 1-chloropropane, द सेकंड कंपाउंड इज CH3CHCl CH3, दैट इज 2-chloropropane, द थर्ड वन इज द 1-chlorobutane, एंड द लास्ट वन इज द 2-chlorobutane।
नाउ विच वन इज काइरल। अब देखें यहां पे पहले स्पीसीज को, तो यहां पे इस कंपाउंड को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो ये है आपका CH2, C2H5 और Cl। यहां देखिए दो आइडेंटिकल स्पीसीज आ गए, और काइरल होने के लिए क्या चाहिए, ऑल दी फोर स्पीसीज मस्ट बी नॉन आइडेंटिकल। तो यहां पे आइडेंटिकल हाइड्रोजन आ गए जिसकी वजह से ये काइरल नहीं है। नाउ सी दिस वन, इस हाइड्रोजन को मैं यूं एक्सपेंड करके लिख देता हूं, ऊपर क्या है क्लोरीन, नीचे हाइड्रोजन मेथिल, ये तो तीन अलग दिख रहे हैं क्लोरीन मेथिल हाइड्रोजन, लेकिन यहां देखिए ये मेथिल और ये मेथिल दोनों आइडेंटिकल आ गए, यानी क्या है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। पहले की तरफ इसमें भी दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। नाउ दिस वन, इसे भी अगर मैं एक्सपेंड करूं तो यहां देख सकते हैं दिस इज द हाइड्रोजन एंड दिस वन इज अगेन हाइड्रोजन, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं निकला। अब ये लास्ट वन देखें, इसका हाइड्रोजन मैं यहां पे अगर एक्सपेंड कर दूं तो ये देखिए क्लोरीन, ये है मिथाइल, ये है हाइड्रोजन और ये है इथाइल। एज ऑल द फोर ग्रुप्स आर द डिफरेंट सो दैट विल बी कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव और द काइरल स्पीसीज। क्लियर विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड विच वन इज काइरल, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई बाई दिस वन। Now we are going to try to find the optical isomerism. तो हम next topic जो देखने जा रहे हैं, हमने आपको जो आज topic देखा, पहले देखा stereochemistry, plane polarized light देखा, chirality देखा, optical activity देखा, अब हम देख रहे हैं optical isomerism. Note करना है तो आप note कर सकते हैं। When we talk about the optical isomers, then how they are different with each other? Isomers जो होते हैं उनका molecular formula same होता है, आपको सबको मालूम है, और अगर molecular formula same है तो कोई ना कोई property होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से differ करते हैं। जैसे function group isomerism में function group different थे, जब हम chain isomerism की बात करते थे तो उनका chain different था, या ऐसी अलग अलग में अलग अलग थे differences। अब optical isomerism में क्या होता है, हम कहते हैं all the optical isomers have the identical chemical and physical properties, इनकी chemical properties सेम होती हैं, इनकी physical properties सेम होती हैं, इनकी chemical और physical property में एक भी difference नहीं होता, जरा सा भी difference नहीं होता। If there's any difference in any of the property, that is the optical rotation, light का rotation, whether that is rotating the light in clockwise direction or the anti-clockwise direction, that is the only difference in between the isomers of these of the compounds। अगर हम एक example लें, ये है आपका स्पीसीज सी ब्रोमीन मेथाइल, यहां पे हम ओ एच लगा देते हैं और ये एच, चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। और इसका अगर हम आइसोमर ड्रा करें तो इसका आइसोमर है सी एच थ्री सी ओ एच बी आर एंड एच। किया क्या, ये एक मिरर है जिसे हमने मिरर एज्यूम किया हुआ है, और ये एक मिरर है जिसका ये मिरर इमेज है, देन द मिरर इमेज ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज कॉल्ड द ऑप्टिकल आइसोमर। किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के मिरर को उसका ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। अब अगर हम इसके रोटेशन को फाइंड करने की कोशिश करें, हाउ विल यू फाइंड द रोटेशन वेदर इट इज द डेक्स्ट्रो और द लीवो कंपाउंड। मैंने आपको कहा था ऑप्टिकल आइसोमर्स के दो फॉर्म होते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। डेक्स्ट्रो है या लीवो है कैसे पता करेंगे, यू विल प्रोवाइड द प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, इनके एटॉमिक नंबर वाइज इनकी प्रायोरिटी इनको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम इनमें देखें, पहले कंपाउंड में तो ऊपर है ब्रोमीन, फिर क्या है, फिर है हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन और कार्बन। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 एंड कार्बन का 6। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का है फर्स्ट प्रायोरिटी, देन सेकंड प्रायोरिटी एंड देन थर्ड प्रायोरिटी, और हाइड्रोजन हैव द फोर्थ प्रायोरिटी, जिसको फोर्थ प्रायोरिटी होगी उसे हम प्रायोरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। इस बात का भी ध्यान देंगे कि द मोस्ट प्रायोरिटी सिस्टम मस्ट बी आइदर ऑन द टॉप और ऑन द बॉटम, नहीं होगा तो हम उसे फिर से अरेंज करेंगे। किस तरह से अरेंज करेंगे मैं थोड़ी देर में फिर बताता हूं। तो सबसे पहले इसे देखते हैं, अब यहां पर रोटेशन कैसे पता चलेगा, नंबरिंग तो कर दिया, यू विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर वन, दिस इज द नंबर वन,
यहां पे वन से स्टार्ट किए कहां पे जाएंगे टू पे, और टू से कहां जाएंगे थ्री पे, क्या डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम को क्या बोलते हैं लीवो। अब दूसरे को देखते हैं ब्रोमीन, फिर से वही है एलिमेंट्स तो वही है, तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी इसमें भी वन होगी, हाइड्रोक्सिल की टू होगी, मिथाइल की थ्री होगी, और जब यहां पे वन से शुरू करेंगे क्योंकि अब वन टू थ्री क्या डायरेक्शन हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है देन व्हाट विल द कंपाउंड दिस वन विल बी द लीवो वन। और ऐसे स्पीसीज को ये एक दूसरे के क्या हो गए ऑप्टिकल आइसोमर, इन्हीं ऑप्टिकल आइसोमर को हम इनेंसियोमर भी बोलते हैं, इनेंसियोमर्स से दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स और द इनेंसियोमर्स। एक और कंपाउंड लेके एक्सप्लेन करें, इसको हटा देते हैं, हमने यहां एक कंपाउंड लिया है और इसका ये मिरर इमेज ड्रा किया है, दिस इज द मिरर, मिरर इमेज एंड द कंपाउंड। अब अगर इन कंपाउंड्स की हम बात करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे, देखेंगे किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। श्योरली यहां पे ये कार्बन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, प्रायोरिटी नंबर वन। लेकिन प्रॉब्लम कहां आई, यहां पे ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, इसका भी एटॉमिक नंबर सिक्स, इसका भी एटॉमिक नंबर सिक्स। अब अगर ऐसा है तब क्या करेंगे, मान लेते हैं दो बच्चे हैं, एक का नाम है हरीश और दूसरे का नाम है हर्षित, और इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है तो क्या करेंगे, एच से दोनों का नाम शुरू होता है, एच के बाद भी ए दोनों में आता है, एच के उसके बाद भी आर आता है, तो एच ए आर दोनों में कॉमन है, लेकिन उसके बाद हर्षित में आता है एच ए आर एस और हरीश में आता है एच ए आर आई। अब आई की बेसिस पे आप देखेंगे, सिमिलरली अगर कार्बन दोनों में सेम है तो हम नेक्स्ट एलिमेंट में जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट यहां क्या है ऑक्सीजन और यहां पे क्या है हाइड्रोजन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, श्योरली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा होगी, ये सेकंड प्रायोर हो गया और ये हो गया थर्ड प्रायोर, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सबसे कम होता ही है, आपको मालूम है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सब सबसे कम होता है। सेम अगर यही प्रायोरिटी हम यहां भी प्रोवाइड करें, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, बोथ आर द एक्चुअली आइडेंटिकली मैंने ड्रा कर दिया गलती से, हम बदल देते हैं, ये हो गया आपका सी एच थ्री और ये हो गया आपका ओ एच, तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी वन हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी थ्री हो जाएगी। अब दोनों मिरर इमेज हो गए, गलती से दोनों सेम हो गए थे। अब यहां देखिए वन से स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री क्या हो गया क्लॉक वाइज, और इसे क्या कहेंगे डेक्स्ट्रो, और ये कहां आया वन टू थ्री क्या हो गया एंटी क्लॉक वाइज, और इसे कहेंगे लीवो। और मैंने कहा इन दोनों को हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर और इसी को हम कहते हैं इनेंसियोमर्स या फिर ऑप्टिकल आइसोमर, जो भी आप कहना चाहें। अगर इस ऑप्टिकल आइसोमर में 50% डेक्स्ट्रो हो और 50% लीवो, आपने जो कंपाउंड लिया उसमें 50% डेक्स्ट्रो आइसोमर हो और 50% लीवो आइसोमर हो, यानी डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलर मिक्सचर हो, तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। ठीक है ना, तो अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द इनेंसियोमर्स आर कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमाइजेशन, द फेनोमेना ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड द रेसमाइजेशन। सो दिस इज द रेसमिक मिक्सचर एंड रेसमाइजेशन। ओके, नॉर्मली रोटेशन निकालने के लिए आपके बोर्ड में नहीं आता, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो उसी के हिसाब से बस हम लोग थोड़ा सा ही यहाँ पे पढ़ाते हैं, क्योंकि हम जो मेनली पढ़ा रहे हैं वो आपको बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके बाहर कुछ नहीं आता,
सिर्फ ज्यादा क्वेश्चन करने और थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखने की जरूरत होती है। हटाएं से इन केस अगर लीस्ट प्रायोर सिस्टम बॉटम में ना हो, ये है आपका OH, ये है H, ये है BR और ये है CR। अब यहां पे प्रायोरिटी प्रोवाइड करें तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 जो सबसे ज्यादा है, क्लोरीन का 17 जो उसके बाद है और पीस के लिए। अब ऐसे कंडीशन में हाइड्रोजन को नीचे करने के लिए हम क्या सोचते हैं, बस इसे यूं घुमाते हैं। तो ये जो है अगर मेरे थंब के डायरेक्शन में, आई थिंक पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहां से हम दिखाते हैं, ये थंब के डायरेक्शन अभी भी नहीं दिख रहा, ये थंब के डायरेक्शन में है तो हम इसे क्या करें, इसे यहां पे ऐसे ले आए। अगर यहां से ये यहां आ गया तो आपको नीचे आ जाएगा, लेकिन रियल में कंडीशन क्या होगी, अब कैमरे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हमें मुश्किल पड़ रहा है, फिर भी आप समझने की कोशिश करिए। जो टेट्राहेड्रल शेप होता है, एक क्यूब है, ये कमरा हमारा एक क्यूब है और इस क्यूब के रिस्पेक्ट में मैं आपको एक डब्बे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये है आपका एक क्यूब और अगर हम देखें तो यहां पे कहां है पहला एटम, यहां पे इस तरह से मैं दिखाऊं तो पहला एटम टॉप पे है, दूसरा कहां है बॉटम में, फिर अगला कहां है टॉप पे, फिर अगला कहां है बॉटम में। तो यहां पे एक टॉप पे, टॉप बॉटम। अब अगर हम इस तरह से माने, मैं यहां पे ही इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरह की कंडीशन है, मैंने इस पे एक डॉट बनाने की कोशिश की है, इस डॉट के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये दो एटम्स हैं, ठीक है ना, अगर आप इसे यूं घुमा दें, यहां पे क्या है, ये बॉटम में है, ये टॉप पे है, मेरे लेफ्ट में टॉप पे है, राइट में बॉटम पे। अगर हम यूं घुमा दें तो क्या होगा, जहां बॉटम में था वहां टॉप पे आ गया, जहां टॉप पे था वहां बॉटम में चला गया, क्या सही पोजीशन पे रह गए, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से पकड़ना होगा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूरा यूं घुमा रहे थे, यहां से पकड़ना होगा कंपाउंड जो है और यहां से इन्हें यूं घुमाना होगा, यानी जो जहां था उनको वहीं पे फिर से कर दो, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम कह सकते हैं, ऐसे कहें यहां पे इस तरह से है, एक वो कॉर्नर टॉप पे और एक हाथ बॉटम पे इस तरह से, तो हम इसे यूं घुमा दें और जब इधर का यूं घूमेगा तो इधर का भी तो यूं ही घूम जाएगा। अगर इस कंपाउंड में देखें, इसको ऐसे घुमा दें, ये यहां से मेरी उंगलियों को देखें, यहां से ऐसे, तो ये भी तो ऐसे घूम जाएगा और जब ऐसा घूमेगा तो कंडीशन क्या बनेगी, कंपाउंड क्या बनेगा, चौक भी मेरा कहीं गिर गया। तो ये देखिए, ये चला गया यहां और ये चलाया यहां, ये चला गया यहां और ये चलाया यहां, क्या बन गया, ये बन गया आपका C, यहां पे बन गया BR, यहां पे CL, यहां पे बन गया OH और यहां पे H। और जब इसका रोटेशन अगर आप निकालते, ये देखिए 1, 2 और 3 था, यहां पे कुछ इस तरह से निकलता, यानी क्लॉकवाइज निकलता, लेकिन इसका निकाल के देखिए क्या क्लॉकवाइज निकल रहा है, प्रायोरिटी तो वैसी होगी 1, 2 और 3 और इसके अकॉर्डिंग जब हम इसे रोटेट करेंगे ये क्या हो गया, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, इसका उल्टा। सो सिंपली अगर आप डायरेक्ट इतना सारा तामझाम ना करना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो, तो अगर लीस्ट प्रायोर सिस्टम बॉटम या टॉप पे नहीं है तो जो भी रोटेशन आ रहा है उसका उल्टा आएगा, यानी टॉप या बॉटम पे नहीं है और डेक्स्ट्रो शो हो रहा है तो वो क्या होगा, लीवो, और लीवो शो हो रहा है तो क्या होगा, वो होगा डेक्स्ट्रो। तो ये तो था आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक टॉपिक यहां पे और है, उस टर्म को हम कहते हैं मीजोमर्स। हम देखने जा रहे हैं मीजोमर्स। तो सबसे पहले डिफिनेशन नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। हम कहते हैं ऑल दोज ऑफ द स्पीसीज हैविंग टू काइरल सेंटर एंड अ प्लेन ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड मीजोमर। मीजोमर्स हैव द ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन्स, दैट इज द काइरल कार्बन्स, बट द मॉलिक्यूल्स आर ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो अ स्पीसीज हैविंग टू काइरल सेंटर एंड अ प्लेन ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड मीजोमर्स एंड मीजोमर्स आर द ऑप्टिकली इनएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कंपाउंड COOH CH OH CH
COOH एंड OH। अब यहां देखिए इस स्पेसिफिक में एक काइरल कार्बन ये है, इसके साथ एक कार्बन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक हाइड्रोक्सिल यहां है। ये चारों देखिए डिफरेंट ग्रुप्स हैं, COOH ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल और ये एक बल्कि ग्रुप, काइरल हो गया ये कार्बन। एंड व्हाट्स अबाउट दिस वन, इसमें भी देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, COOH और ये एक बल्कि ग्रुप, ये भी काइरल है, ये भी काइरल सेंटर है। अब दो दो काइरल सेंटर हो गए। और ये देखिए एक ये प्लेन है, इसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, कैसे पता चला प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर ऊपर वाली चीज को हम यूं फ्लिप कर दें तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा, ये हाइड्रोक्सिल इस हाइड्रोक्सिल पे आ जाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे आ जाएगा, यानी 100% एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन इस सिमेट्री, इस प्लेन को क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर अ सिस्टम हैव टू काइरल सेंटर एंड अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इट विल बी कॉल्ड मेजोमर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेजोमर, दिस इज द मेजोमर कंपाउंड इज कॉल्ड द टार्ट्रिक एसिड, बट द नेचर ऑफ द कंपाउंड, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड द मेजोमर। लेकिन अगर यही कंपाउंड कुछ यूं लिखा जाए, COOH CH OH CH OH एंड COOH, कंपाउंड सेम है, बस इकलौता डिफरेंस क्या है, ये जो नीचे वाला हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल है इसकी पोजीशन को बदली कर दिया गया वहां पे, ठीक है ना, यहां पे OH है, यहां पे H है। अब यहां पे काइरल सेंटर तो पिछली बार की तरह दो दो डेवलप हो रहा है, एक यहां पे और एक यहां पे। लेकिन जब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो यहां देखिए फ्लिप करने पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल पे आएगा, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन पे आएगा, यानी वो 100% एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ मेजोमर, कंपाउंड सेम है, दोनों ही टार्ट्रिक एसिड है, बट दैट वन इज नॉट अ मेजोमर, दिस वन इज मेजोमर। मैंने कहा द मेजोमर्स हैव द टू टू काइरल सेंटर्स इवन दो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, हाउ इट इज पॉसिबल दैट विद टू काइरल सेंटर दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर हम इस कार्बन के रिस्पेक्ट में रोटेशन देखें, दिस इज द एंटी क्लॉक और द लीवो एंड दिस वन इज क्लॉक दैट इज द डेक्स्ट्रो, ये है लीवो, ये है डेक्स्ट्रो और दोनों का रोटेशन कितना है, आइडेंटिकल रोटेशन, जितना एंगल ये रोटेट कराता है इतना ही एंगल ये रोटेट कराता है, बस डायरेक्शन अलग है, एक पॉजिटिव रोटेशन देखता है, एक निगेटिव रोटेशन देता है, यानी जितना ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उतना ही ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट, दैट इज जीरो। ये कुछ उस तरह की कंडीशन हो गई जैसे इक्विलिब्रियम में कंडीशन बनती थी, द रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सिमिलरली रेट द रेट अमाउंट ऑफ मूवमेंट इन द क्लॉकवाइज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मूवमेंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो द व्हाट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ लाइट, दैट इज जीरो। सो द मेजोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे जब आप SN1 और SN2 रिएक्शन विच इज द नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे तो दो टर्म और आपको पूछे जाते हैं, एंड व्हाट आर द टर्म्स, दैट इज द रिटेंशन एंड इनवर्जन, दिस इज द कंपाउंड, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोक्सिल H एंड H, कुछ भी मान लेते हैं। और अगर रिएक्शन के बाद ये स्पीसीज मान लेते हैं ये हाइड्रोक्सिल हैलोजन से कन्वर्ट हो गया, तो यहां देखिए हाइड्रोक्सिल किधर है, मेरे राइट हैंड साइड में, और हैलोजन कहां है, ये भी मेरे राइट हैंड साइड में भी है। तो अगर अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं तो इसे हम कहते हैं रिटेंशन, अगर प्रॉपर वर्डिंग में हम इसे बोलें टू रिटेन इट्स इंटीग्रल कॉन्फ़िगरेशन, टू रिटेन इट्स इंटीग्रल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन रखने की टेंडेंसी को हम कहते हैं रिटेंशन। लेकिन अगर कंडीशन कुछ ऐसी है, ये है आपका कार्बन, इसके साथ ये स्पेसीज लगे हुए हैं, ये है आपका हाइड्रोक्सिल, ये है ए बी और डी, सी नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी सी है, और रिएक्शन होने के बाद इसने क्या बनाया, ये बन गया सी ए, यहां पे लग गया एक्स, ये है आपका बी और डी। ये देखिए हाइड्रोक्सिल कहां है, राइट हैंड साइड में, और इसको रिप्लेस करने वाला हाइड्रोजन कहां गया, लेफ्ट हैंड साइड में,
तो अगर ऐसा होता है ये पलट जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज द रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। दिस वाज द स्टीरियो केमिस्ट्री। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, द SN1 रिएक्शन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, दैट इज द SN1 एंड SN2। देयर वी विल ऑल्सो डिस्कस अगेन द रिटेंशन एंड इन्वर्जन इन दीज ऑफ द स्पीसीज। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे नया टॉपिक लेके, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।